नवरात्रि के पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा होती है और माँ के पांचवें स्वरूप का यह नाम उन्हें भगवान कार्तिकेय से मिला है। ऐसा माना जाता है कि माता के इस ममतामयी रूप की पूजा अर्चना से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के पांचवें देवी माँ के स्कंदमाता रूप की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा विधि और भोग के बारे में। माँ के स्वरूप की बात करें तो इनकी चार भुजाएं हैं। माँ ने अपनी दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है। इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है। नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल लिया हुआ है। स्कंद माता सिंह की सवारी करती है और नवरात्रि के पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा के लिए सुबह स्नान के बाद पीले रंग के कपड़े पहने, पूजा के लिए हाथ में लाल पुष्प लेकर देवी स्कंद माता का ध्यान करें। देवी को अक्षत, धूप, गंध, फूल, बताशा, पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। माँ के सामने धूप दीप जलाएं। इसके बाद माँ का पसंदीदा भोग केला उनको अर्पित करें। माँ की आरती कर शंख बजाएं और मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के पांचवें दिन महिलाएं लाल वस्त्र में सुहाग की सभी सामग्री अक्षत समेत लाल फूल माँ को अर्पित करें। ऐसा करने से महिलाओं का सौभाग्य जागता है। स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है और जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है उन्हें माँ के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आदिशक्ति का यह स्वरूप संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण करता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।